स्वारघाट क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक युवक की मौत के मामले में उपायुक्त बिलासपुर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने इस मामले पर 5 दिन के भीतर सारी रिपोर्ट मांगी है। जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा कि इस मामले पर अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। बात कर रहे थे क्वारंटाइन सेंटर की, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो आदेश कल दिए थे, तो उसमें हमारे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको एक मैजिस्टेरियल इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए कल नियुक्त किया गया है और वो 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट 17 तारीख तक वो पूरा उसका विस्तृत जांच करके अपने सुझावों सहित वो हमें प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पुलिस विभाग ने पुलिस प्रशासन में डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने डीएसपी नैना देवी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सारी जांच की जा रही है। जल्द ही सारी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। जो जिला बिलासपुर का ही रहने वाला था तथा फॉरेस्ट स्वर्णघाट में जिनको क्वारंटाइन किया हुआ था, अभी 10 मई को उनकी तबीयत बिगड़ने पर जो है वो उनको हॉस्पिटलाइज करना जो है जरूरी था, जिस बारे में जो है वो 108 जो है वो सर्विसन को कॉल किया गया। कॉल करने पर जो है वो 108 के जो फार्मासिस्ट और ड्राइवर आए, तो उनको जब आग्रह किया गया कि वो जो है वो क्वारंटीन किन किए हुए व्यक्ति को जो है वो वहाँ एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाना है, तो उन्होंने जो है वो साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने जो है पीपी किट जो है वो उस वक्त पहनी हुई थी। इन हालात में जो है वो पुलिस थाना स्वारघाट से जो है पुलिसकर्मी आए, जिन्होंने खुद उनको उठा के जो मरीज है उनको जो है वो जिनको रेफर कर दिया था एजेंसी शिमला के लिए, उन्हें एम्बुलेंस में डाला, जहां जो है वो बाद में जो है वो जो व्यक्ति थे उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो ऐसा उनका हॉस्टल के बारे में पता चला है कि एक जो है वो मेहंदी के दौरे पड़ते थे। तो इस संदर्भ में जब थाना स्वारघाट में जो ड्राइवर और फार्मासिस्ट 108 के हैं उनके खिलाफ जो है वो धारा 304A 4 IPC के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो है वो अभी कार्रवाई जारी है। इस मुकदमा का अन्वेषण जो है वो DSP श्री नैना देवी जी वो कर रहे हैं। इसमें यदि किसी की लापरवाही या स्वीकता पाई जाती है उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि स्वारघाट क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे बिलासपुर अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे शिमला रेफर कर दिया गया था। 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे शिमला ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी।